एक थे विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर। बड़े गुरूर से कहते थे, जिस दिन हम इंडिया को आजाद करके वापस आ गए, इंडिया बर्बाद हो जाएगा, भूख से तड़प के मर जाएगा। बात हमें बुरी तो लगी थी, लेकिन हम चुप रह गए, क्योंकि जवाब देने का काम हमने वक्त को दे रखा था। और वक्त ने हमें मायूस नहीं किया, स्पेस की उड़ान से खेल के मैदान तक हर जगह जवाब दिया। 47 का बदला हमने 83 में चुकाया, उन्हीं के देश में, उन्हीं की नाक के नीचे हमारे चंडीगढ़ का एक गबरू जवान क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लाया। कपिल बाजी, जब दुनिया ने कहा अब मुमकिन नहीं कि भारत महाराणा प्रताप वाला शौर्य दोहराए, तो हम भाला फेंक के ओलंपिक से गोल्ड उठा लाए। कम ऑन नीरज शर्मा, हम गहराई के कायल हैं, रफ्तार के नहीं, लेकिन किसी ने हमारी स्पीड पर उंगली उठा दी तो हमने दुनिया की सबसे तेज रफ्तार मिसाइल ब्रह्मोस बना दी। हम वेदों पुराणों की भाषा बोलते हैं, पर क्वांटम फिजिक्स भी हमें बराबर आता है। कभी वक्त मिले तो डेटा चेक कर लेना, हमारी सैटेलाइट्स का रिमोट सेंसिंग पावर अमेरिका से ज्यादा है। पचहत्तर साल पहले लोग हम पे तरस खाते थे, कहते थे महामारियों में सबसे ज्यादा लाशें उठाने वाला देश भारत है। आज देख लो, दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन ड्राइव चलाने वाला देश भारत है। हमारे सीने में हवन कुंड की चिंगारी है, टिमटिमाने और बुझने के दिन गए, अब तो चमकने और दहकने की तैयारी है। नोट कर लो, 19वीं सदी ब्रिटेन की थी, 20वीं अमेरिका की, 21वीं हमारी है।